कि महफिल में आए हैं, जाम है क्या? महफिल में आए हैं, जाम है क्या? मैं अपना दर्द तब सुनाऊंगा, दो पैक का इंतजाम है क्या? तो एक वो था कि शुरू करो तो ऊपर वाले का अपने भगवान का नाम ले लो, तो मैं अपनी ले रहा कि खुश रहूं या दुखी रहूं वो हर बात जान जाती है, खुश रहूं या दुखी रहूं वो हर बात जान जाती है, मेरी माँ है मेरे दोस्तों, मेरे हंसते चेहरे पर भी दर्द पहचान जाती है। तो ऐसी बाप होता है, बाप की अलग एक पहचान होती है। तो लिखा था कि मेरे बाबा डांटते हैं धमकाते हैं, प्यार करते हैं दिखाते नहीं है। मेरे बाबा, अगली लाइन में देखना कि मेरे बाबा डांटते हैं धमकाते हैं प्यार करते हैं दिखाते नहीं है, हर ख्वाहिश मेरी पूरी कर देते हैं पर कभी जताते नहीं है। तो कि ये कुछ ऐसा था कि खुद की पहचान क्या बताऊं, मैं खुद को कभी जान नहीं पाया, खुद की पहचान क्या बताऊं मैं खुद को कभी जान नहीं पाया, और लोगों को इशारों पे चल रही है मेरी जिंदगी, मैं खुद को अपनी मर्जी से कभी जिंदगी में चला नहीं पाया। तो एक थी अधूरी मुलाकात, ऐसी लाइफ में बिजी थे तो उस पर एक पोइट्री लिखी थी कि अजनबी थी वो, ना जाने धीरे धीरे कैसे प्यार हो गया, कुछ घंटे बात ही करी थी उससे कि उसका मुलाकात का इशारा हो गया। और आगे सुनिएगा, मुलाकात उसे भी करनी थी, मुलाकात मुझे भी करनी थी, बात थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि दुश्मन जमाना हो गया। और अधूरी मुलाकात रह गई हमारी, फिर भी प्यार उससे जान से ज्यादा हो गया, और कोई नहीं चलो मान लिया मुलाकात अधूरी है हमारी, लेकिन एक दूसरे के दिल में तस्वीर बसती है हमारी। और कुछ ऐसा था कि और ये जमाना हमें मिलने से क्या रोकेगा, ये जमाना हमें मिलने से क्या रोकेगा, उस पगली का आधी रात को फोन आया, मुझे उठाया बोला सपने में आए तुम, मैंने सोचा याद आ रही है तुम्हें हमारी। तो अब ऐसा था कि आज के जमाने में प्यार ज्यादा दिन चलता नहीं, ठीक है ना भाई। तो अब धीरे धीरे बातों बातों में पता लग जाता है क्या चल रहा है दूसरे के मन में। तो लिखा था कि पता है मुझे धोखेबाज है तू, फिर भी उसकी हर बात मानता हूं, पता है मुझे धोखेबाज है तू, फिर भी उसकी हर बात मानता हूं, इस दिल में तस्वीर बसती है उसकी, वैसे तो मैं उसकी औकात जानता हूं। तो कुछ एक ऐसा था कि उसे इस जहां की सारी खुशी दे देता, वो अपनी खुशी की कीमत तो बताती, और जो इतना प्यार देने के बाद मेरी ना हो सकी, मैंने खुदा का फिर भी शुक्रिया करा, मैंने खुदा का फिर भी शुक्रिया करा, ए खुदा तूने सही वक्त पर उसकी औकात दिखा दी। तो दिल्ली शहर की थी वो, अब शहर में आए तो शहर का लेवारे में कुछ ना लिखे तो क्या बात हुई। तो ये था कि अगर आपको लगे दिल्ली शहर ऐसा ही है तो बताना कि मैं आया तेरे शहर में तो देखा यहाँ भीड़ बहुत है, मैं आया तेरे शहर में तो देखा यहाँ भीड़ बहुत है, कहीं पर सिगरेट पीते कहीं पर दारू पीते, मैंने देखे यहाँ लोग बहुत है, और दिन में तो सभी मुस्कुराते दिखे मुझे, जब रात के अंधेरे में निकला तब पता चला यहाँ तो दिल टूटे बहुत है। तो अब कुछ लोग होंगे कि अपनी लाइफ में कि अपनी बुराई कर दें, कितना भी उनके साथ अच्छाई कर लो वो फिर भी बुराई करेंगे, कभी अच्छाई नहीं गिनवाएंगे। तो इस पे एक लिखी थी कि और फिर भी हमें चाहते हैं कि हम इनकी लाइफ में रहे, तो लिखी थी कि मेरी बुराई गिनवाने वालों कभी अच्छाई भी गिनवाया करो, मेरी बुराई गिनवाने वालों कभी अच्छाई भी गिनवाया करो। अगली लाइन में सवाल है उनसे कि चलो मान लिया लाख बुराई है मुझ में, फिर मुझे साथ क्यों रखते हो इतना तो बताया करो। एक कुछ होता है कि हर शख्स ना हसब की लाइफ में होता है, पास में बैठा तो भाई भाई भाई, फिर पता नहीं कौन है। तो कुछ ऐसा ही होता है कि
खामोश रहता हूं पर हर एक पर नजर रखता हूं, खामोश रहता हूं पर हर एक पर नजर रखता हूं, और मेरी पीठ पीछे बुराई करने वालों बता दूं मैं सबकी खबर रखता हूं। तो अभी एक लास्ट है, बस नया साल आ रहा है तो कुछ उसके लिए ही कि ए खुदा, आने वाले नए साल पर तुझसे छोटी सी ख्वाहिश है, जिनका मैंने दिल दुखाया उनसे माफी, और जिन्होंने मेरा दिखाया उन्हें भूलने की ख्वाहिश है। थैंक यू।